न्याय यात्रा में शीला सिखावत के साथ अजीत सिंह जिनको उसी समय सुखदेव सिंह गोगा मेडी को जब गोली लगी थी उस समय वो भी उनके साथ थे, उन्हें भी गोली मार दी गई थी। उनकी पत्नी भी एक छोटी सी बच्ची को लेकर साथ इस न्याय यात्रा में शामिल है। तो आप देख सकते हैं एक छोटी बच्ची और उसको गोद में लेकर इस न्याय यात्रा में शामिल है। क्या यहाँ की सरकार को यह नहीं दिख रहा है? क्या कहना चाहेंगे आप इस न्याय यात्रा में, आपकी मर्जी से शामिल है या फिर शीला जी ने आपको इनवाइट किया? जी नहीं, मैं मुझे न्याय चाहिए, मेरे बच्चों को अपने पापा के लिए, मुझे मेरे पति के लिए। इनका कोई दबाव नहीं था, मैं इनके साथ हूँ क्योंकि इन्हें भी न्याय चाहिए और मुझे भी न्याय चाहिए। किस तरह आप करनी सेना के जो मेंबर्स है सभी लोग हैं, किस तरह आपके साथ खड़े रहे आपके इस मुश्किल समय में? बिल्कुल, वो मेरे बड़े भाई की तरह मेरे साथ हैं। क्या आप क्या न्याय की मांग करती हैं? आपको क्या न्याय चाहिए? आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को जो कदम उठाने चाहिए वो नहीं उठा रही है? अब गवर्नमेंट ने पता नहीं इस चीज में क्या राजनीति जोड़ रखी है अपनी। हमारी तो क्या कोई स्पेशल मांग तो है नहीं, जो आगे से पहले वहाँ तय हुई थी वही तो मांगे हैं। उस टाइम मान ली गई थी, आज क्यों मना कर रहे हैं? तो बस यही है कि उस टाइम जब आपने हाँ करी थी तो अब उस बात को मानो आप। और ये एक तरह से वादा खिलाफी है कि भाई आप उस टाइम वादा करके आज मुकर गए। आपके साथ छोटी बच्ची है, आपने ये कदम उठाने से पहले सोचा नहीं कि छोटी सी बच्ची को लेकर इतनी लंबी यात्रा आप कैसे करेंगे, क्योंकि 350 किलोमीटर है जयपुर। अब जब गवर्नमेंट ने सोच ही लिया है कि भाई इनकी मांगे नहीं करनी पूरी, तो फिर हमें भी संघर्ष करना है, तो फिर बच्चों को कहाँ छोड़ सकते हैं? तो ये संघर्ष जारी रहेगा। बिल्कुल, अगर सरकार नहीं सुनेगी तो फिर संघर्ष जारी है हमारा। क्या लग रहा है इस तकलीफ को कोई देख पा रहा है, कोई मिलने आया अभी तक आपसे? नहीं, ये तकलीफ तो हमारी हम ही झेल रहे हैं और कोई किसी को पता नहीं है।